अलौकिक कोई इनसाइड नहीं चल रहा है, जो कुछ है वो सब आउटसाइड है, वो सब लोगों को दिख रहा है। तभी तो हम बोल रहे हैं कि भाई बीएल संतोष जी वहां से वहां गए, वो वहां गए, तो सब कुछ आउटसाइड है, इनसाइड कुछ नहीं है। फर्क केवल ये है कि ये सब चीजें क्यों हो रही है, इसके लिए दो फैक्टर है। पहली चीज, यूपी का चुनाव कोई छोटा मोटा किसी छोटे मोटे राज्य का चुनाव नहीं होता है जिसको कि कोई इग्नोर कर दे, चाहे वो दूसरे राज्य की सरकार हो, केंद्र सरकार हो, यूपी के पक्ष विपक्ष सरकारें हो, या मीडिया हो, या जनमानस हो, कोई इसको इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि संसद का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के गलियारे से होके गुजरता है। सारी पार्टियां अपना जोर लगा रही है। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि यूपी का चुनाव या हर चुनाव आप ये देखिए, केवल पक्ष के लिए ही नहीं, विपक्ष के लिए भी एक सुनहरा मौका होता है कि ताकि जो जिन गलतियों के कारण वो सत्ता से बाहर हो गए थे उनको सुधारे। और विपक्ष भी बहुत आशान्वित रहता है और है, पिछली बार की तरह अब की बार भी विपक्ष बहुत आशान्वित है, लेकिन विपक्ष के तरफ से अभी उतनी एक्टिविटी या उतनी हलचल नहीं दिख रही है। मुद्दा तो ये होना चाहिए, अब उसके पीछे कारण है। देखिए, वाइटलिटी होना एक दूसरा मुद्दा है, कौन से पार्टी कितनी गंभीरता से लेती है, पहला कारण ये होता है। दूसरी चीज ये होती है कि कौन सी पार्टी कितना स्टेक लेना चाहती है, जो जितना स्टेक लेना चाहती है चुनावों में, जितनी सीट लेना चाहती है, जितनी गंभीरता से लेना चाहती है, उसी तरीके से वो अपनी जो है क्षेत्र के हिसाब से और बहुत सारे फैक्टर को देखते हुए अपनी रणनीति अपनाती है। तो हो सकता है बीजेपी को ये लगता है कि जो उनके टारगेट है उस टारगेट के लिए उनको इतने एक्स्ट्रा आदमियों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इस टैलेंट की जरूरत है, उस टैलेंट की जरूरत है। अब चूंकि उनके पास है ये बाय डिफॉल्ट, ये उनका मुटलक है या जो भी बोलिए, भाई समाजवादी पार्टी, बीएसपी, इन सब का तो हेड ऑफिस आपका यूपी में ही मिलेगा, लखनऊ में ही मिलेगा। तो अगर उनके यहाँ कोई गया भी, कब गए कब नहीं गए, अगर वो मीडिया को भी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी एक्टिविटी के हिसाब से कि वो खबरें नहीं बन रही है, तो या तो ये हो सकता है कि भाई अभी उन लोगों ने शुरू ना किया हो, या उतने एक्टिव ना हुए हो, अंदर अंदर कुछ चल रहा हो, उनके यहाँ एक नेता है तो नेताजी जो है वो प्लान बना रहे हो, जब उनके यहाँ एक्टिविटी शुरू होगी तो वो एक्टिविटी भी मीडिया में आएगी कि फलाने ने फलाने से मीटिंग की, ये किया, रैली किया, ऐसे किया, तैयारी। अभी तो बहुत सारे पार्टियों ने तैयार रहने की भी घोषणा नहीं की है, जो पार्टियों के हेड है, अखिलेश यादव जी हो गए, मायावती जी हो गई, शायद उन्होंने ये घोषणा भी नहीं की है, ललकारा भी नहीं है अभी कि भाई सारे कार्यकर्ता एकदम अब तैयार हो जाए, कमर कस के तैयार हो जाए। सारा माजरा ये है कि कौन कितनी गंभीरता से इस इवेंट को ले रहा है, इलेक्शन जैसी घटना को ले रहा है। जिसके पास चुनौतियां ज्यादा है, जिसको ज्यादा स्टेज चाहिए, वो मेहनत भी ज्यादा करता है। सिंपल सा है कि एग्जाम में जिस लड़के को ज्यादा नंबर चाहिए होते हैं वो हमेशा एक्टिव रहता है, वो ज्यादा पढ़ता है। जिसको ये रहता है कि चलो जी बैठ के हम पास हो जाएंगे, ठीक है, हमें क्या पास हुए या फेल हुए, तो ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल है। और इसी कारण एक्टिविटी हो रही है बीजेपी की, उनके पास ऑप्शंस है, उनके पास टैलेंट है, यहाँ है, वहाँ है, मे बी पॉसिबल वो महाराष्ट्र से भी बुलाए, मे बी पॉसिबल वो जो है कर्नाटक से भी बुलाए, क्योंकि उनके पास टैलेंट और स्कोप बहुत ज्यादा है, तो उनको जो अच्छा लगेगा वो बुलाएंगे। बंगाल के चुनाव में भी यूपी से लोग गए थे, दूसरी जगहों में भी लोग यूपी से जाते हैं। आप बोलिए ना समाजवादी पार्टी और बसपा को कि जाके महाराष्ट्र के चुनाव में प्रचार करें या महाराष्ट्र के नेताओं को बुला लें, रोक किसी को नहीं है। कौन कितना गंभीर है ये इन एक्टिविटी से ये दिखता है। रिजल्ट कुछ भी हो, मेरी शुभकामनाएं सभी को हैं, मैं अभी किसी को कुछ कमतर जो है एक स्ट्रेटेजिक और कंपैरेटिव एनालिसिस मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बहुत इनिशियल है, लेकिन मेरी शुभकामनाएं सबको हैं, और जो जितना सीरियस है वो उतना एक्टिव हो रहा है। बताइए आपका जवाब क्या, क्या जवाब, कोई जवाब नहीं होगा, बार बार किसानों की बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपने आपने ये एक यहाँ पर अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया। हमारे साथ एके मिश्रा यहाँ पर जुड़े हुए हैं। एके मिश्रा जी, देखिए सभी पार्टियों का पक्ष आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन जो एक नीतिगत मुद्दे कुछ होते हैं किसी भी प्रदेश के अंदर, जिस तरह से अभी चंद्रमोहन जी ने कहा कि महंगाई को लेकर जरूर जनता प्रश्न पूछेगी, कोरोना काल को लेकर जनता जरूर आपसे हिसाब मांगेगी, इसको लेकर सत्ता पक्ष का क्या रवैया रहेगा, और आपको क्या अनुमान है कि विपक्ष इसके हिसाब से किस तरह की तैयारी करके जनता के बीच में जाने वाला है? देखिए, ये चैलेंजेस है, मैंने पहले भी कई बार बोला है कि 5 साल में बहुत सारी चुनौतियां और बहुत सारे सिचुएशंस जो है बदल जाती है। सत्ता में जब बीजेपी पिछली बार आई थी तब चुनौतियां कुछ और थी और उस हिसाब से उन्होंने मुद्दों को बनाया था। अब की बार ये बहुत सारे सोशल जो है ये चुनौतियां भी होंगी, कोरोना की भी चुनौतियां होंगी। ऑफकोर्स विपक्ष जो है इस पे सवाल पूछेगा, कोरोना के ऊपर भी पूछेगा, महंगाई के ऊपर भी पूछेगा, उसके पीछे रीजन क्या है क्या नहीं है वो एक डिफरेंट डिबेट का जो है, साइंटिफिक और लॉजिकल डिबेट का वो मुद्दा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
चुनाव में ये सवाल पूछे जाएंगे बीजेपी से, बीजेपी इसको कैसे मैनेज करेगी, क्या लॉजिकल आंसर होगा, ये चीज देखने वाली बात है। हालांकि अभी वार प्रतिवार थोड़ा सा शुरू हुआ है डिबेट के माध्यम से, एक दूसरे के प्रवक्ता ऐसा बोल रहे हैं। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि अब की बार चुनौतियां केवल बीजेपी के लिए ही नहीं बल्कि मौके और चुनौतियां विपक्ष के लिए भी एकदम से अलग है। पिछले जो है चुनाव जितने भी होते थे एकदम इनोवेटिव है यहाँ पे चीजें, और यही पे इनोवेशन देखा जाएगा, स्ट्रेटजिक इनोवेशन देखा जाएगा कि क्या सत्ता पक्ष इन चुनौतियों का चुनावी मुद्दा बना के सामना कर सकती है और क्या विपक्ष इन चुनौतियों को मुद्दा बना करके सत्ता हासिल कर सकती है कि नहीं कर सकती है। जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजिक इनोवेशन होता है मैं उसी चीज का वेट कर रहा हूँ कि देखते हैं पक्ष और विपक्ष दोनों कितना सक्सेस होते हैं इस स्ट्रेटजिक इनोवेशन में, कितना सक्सेस होते हैं ये देखने वाली बात होगी, ये मीडिया के लिए भी ऑब्जर्व करने वाली बात। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अगर विपक्ष इस बारे में सोच रहा है, विपक्ष के दिमाग में माइंडसेट में ये चीजें हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि सत्ता पक्ष के दिमाग में ये माइंडसेट नहीं होगा कि भाई ये वाले भी तीर चल सकते हैं, तो उनका क्या उपाय करना है, उनका क्या जवाब देना है। अल्टीमेटली चुनाव में होता तो यही है, मुद्दे पक्ष के विपक्ष के होते हैं, एक दूसरे के ऊपर वार प्रतिवार होता है। और बीजेपी जिस हिसाब से और एज ए ऑर्गेनाइजेशन जो है डेवलप हुई है वो मैक्रो ही नहीं माइक्रो लेवल पे भी छोटी छोटी चीजों को बहुत एनालाइज करते हैं और उसकी तैयारी करके रखते हैं। कई तरीके की रणनीतियां होती हैं पॉलिटिक्स में जो है स्पेशली कैंपेन को मैनेज करने के लिए। अब वो कौन सा जो है कैंपेन के लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, हो सकता है विपक्ष महंगाई को मुद्दा बनाना चाहे लेकिन बीजेपी के जो प्रयास है वो इस चीज को मुद्दा ही ना बनने दे, वो जो मुद्दा वो बना रहे हैं वो अपने पाले में जो है विपक्ष को घसीट के लाना चाहेंगे कि जो मुद्दा हम बना रहे हैं विपक्ष उस पे आए। यही विपक्ष का होगा कि भाई अपने पाले में ले आकर के गेंद को ले आकर के वो खेलना चाहेंगे कि बीजेपी उनके मुद्दे में फंसे। थोड़ा सा हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि स्ट्रेटजिक इनोवेशन पक्ष और विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं किस हिसाब से इस चुनाव को वो मैनेज करते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।